मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा में मेन मार्केट स्थित 20 साल पुरानी मानसी सेल्स एवं सर्विस दुकान में आग लगने से लगभग 11 लाख का सामान सहित फर्नीचर जलकर राख हो गया। दुकान में लगी आग को ग्रामीणों की मदद से बुझाने का प्रयास चल रहा था। इसी क्रम में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मानसी सेल्स सर्विस के संचालक भैयालाल किरार ने बताया कि मैं भूमिहीन हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटियों सहित 5 लोग हैं। सभी लोगों के भरण पोषण आदि का मात्र ही एक आय जरिया था, जो आज पूरी तरह जल कर राख हो गया। अब हमारे पास परिवार के गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं। शासन प्रशासन से ये हमारी मांग है कि ये घटना हुई है, इसके जल्द से जल्द मुआवजा नुकसान राशि दी जाए। इनके पास में ये दुकान की अपेक्षा और कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ये भूमिहीन है और गरीबी से अति गरीबी की रेखा में सीमा में जे आते हैं, तो प्रशासन से ये मान है जल्द से जल्द राशि इन्हें दी जाए। नमस्ते। ये आगजनी की दुखद घटना हुई है, इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगजनी की दुखद घटना बहुत ही निंदनीय और दुखद है, और जिस परिवार के लिए पालन पोषण के लिए दुकान थी, आज ये जल के नष्ट हो गई है। और ये लगभग 20 से 22 साल पुरानी दुकान है, इसमें वित्त दुकान के और सामान के लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पालन पोषण के लिए यही दुकान है और ये भूमिहीन है। मैं शासन प्रशासन एवं कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसका सर्वे कराकर इन्हें उचित मूल्य पर मुआवजा दिया जाए।